हाय गाइस, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। देख मुझे इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि दिल्ली आ गई है। उफ क्या बताऊं, मैं इतना मिस किया मैंने से, मैंने बोला चलो दिल्ली। रात को ना अपनी गाड़ी खुली रहेगी और अपने कुछ सपोर्टर्स आए थे, ये बता रहे हैं कि इन्होंने गाड़ी का बहुत ख्याल रखा। गाड़ी खुली हुई थी क्या? हां जी वीर जी, खुली हुई थी। थोड़ा पर्स भी अंदर पिया हुआ है, सारा कुछ सामान पिया है। असि इधर ही वेट कर रहे थे कि जब वीर जी आएंगे असि तुम्हें दस देंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तो भाई आज नुकसान हो जाता, जरा देख लेता हूँ यार गाड़ी में तो इतना कुछ पड़ा हुआ, बच गए भाई, नहीं तो आज काम हो जाता। 11 बज रहे हैं और आज ना जिम जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि आज थोड़े बहुत काम है, तो मैंने कहा यार फटाफट से निपटा लूं। और जो अपना मेन चैनल का शूट था ना, वो पहली तारीख को था, तो जो वो बंदा है जो मेरी वीडियो डायरेक्ट कर रहा है, उनका मुझे अभी मैसेज आया था कि भाई लोकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो मे भी जो शूट है ना वो दूसरी तारीख को ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है मैं शाम को 5 बजे बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जैसा भी सीन रहेगा। और पता नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ यार, वाइब्रेशन आ रही है रिवर्स कुछ, मतलब थार में सी वाइब्रेशन आ रही है, अब पता नहीं। तो भाई अभी अभी हमारे स्टारबक्स और रमन की किस्मत ना लिटरली पोपट हो चुकी है भाई, तू गुरुद्वारे जा एक बार, क्योंकि मैं बताता हूँ पोपट हुई क्यों है। दिखाइए जरा, इसको किसी ने ये गिफ्ट किया था ना, जो इस पे पड़ गया स्क्रैच, अब ये कह रहा है मैंने मारा नहीं अपने आप पड़ गया। अब मुझे भी बताए अपने आप लगा या इसने मारा नहीं है, पर वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई वी आर सो सॉरी। एयरपोर्ट गए, टम्बलर गया, पैसे गए, बहुत कुछ गया। भाई मैं आपको बता दूं, रमन का ना एक और पोपट हो गया था। रमन गया था देहरादून ये वाली गाड़ी लेके अपने मामा की, और देहरादून पहुंचता है और पता नहीं अपने घर को गया, इस बेचारे की गाड़ी की चाबी खो गई, और इसने चाबी बनाने के पहले 1500 खर्चे उसने बिना सेंसर वाली चाबी बना दी, फिर इसे पता लगा कि इस गाड़ी की सेंसर वाली चाबी बनेगी, फिर कितने दिए 3500। इसने एयरपोर्ट खो दिया अपने 25,000 रुपए के, और इसने 4,000 रुपए का अपना वो एप्पल का चार्जर खो दिया, और इसने 15-20,000 रुपए होटलों में खराब कर दिए। तो ये कह रहा है मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप देहरादून नहीं चले जाता हूँ, चुपचाप कहीं है भाई, गाड़ी भी उड़ जाए, चलते चलते फट जाए गाड़ी। मेरा डीएल भी हो चुका है। अच्छा डीएल भी हो चुका है ये गाइज, अब आप मुझे खुद बताओ। अच्छा रमन एक सीरियस बात बताइयो, ये तेरे को क्या लगता है, ये तेरी किस्मत के चक्कर में है, तेरी गलती है? देख तेरी गलती है ना भाई, मेरी केयरलेसनेस चल जो भी है, मतलब लोग समझ गए, लेकिन भाई अगली बार ना थोड़ा आके खोल के चलियो, बस मैं इतना बोलूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये हरकतें क्यों होती हैं, किन चीजों में तू घुसा जाता है, बट ये चीजें तू ठीक कर दे। ये ना समझेगा, ये नशे में नहीं, नशे में नहीं, किसी और चीज में गाइस, किसी और चीज में घुसा रहता है ये इसने मेरे को बता रहा हूँ 6 महीने बाद पिलाई, और मेरे को ना 6 महीने तक बोलेगा भाई उस दिन तेरे पे पैसे खर्चे थे, उस दिन मैं बोलूंगा कि रमन क्या खाएगा, कहेगा मैं नहीं दूंगा पैसे तुम, और मेरी गाड़ी खड़ी है उसकी जो माइक की आवाज है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। तो पता नहीं आईफोन का माइक वैसे होता तो बहुत अच्छा है, बट मेरे को लग रहा है जो मेरा फोन है ना उसके माइक में थोड़ी गड़बड़ है, तो अगर इसके माइक में गड़बड़ हुई ना तो मैं इस वाले फोन को सेल कर दूंगा और मैं 12 प्रो खरीद लूंगा, क्योंकि मेरा ना बहुत टाइम से मन कर रहा है कि मैं 12 प्रो पे अपग्रेड मार लूं। जो मेरा वाला फोन है ना, दिस इज 11 प्रो मैक्स। और दूसरी चीज आपको ना आज एक सरप्राइज भी देना, अभी कोई आ रहा है आपको, हम अभी मिलवाते हैं और बताते हैं क्यों आ रहा है। मतलब वो बंदा मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहा था कि वो दिल्ली ही आ गए, आ गई नहीं आ गई। क्या हाल है भाई? What's up? Hello. क्या हाल है? कहाँ छुप रखी है अंधेरे में? Hi. 12 दिख नहीं रही ये लड़की, मेरा पीछा करते करते दिल्ली तक आ गई है यार। आजा छुट अब जा, यहीं से आ जाओ। हाँ आजा आजा, मुझे लग रहा है पलट ना जाए। अरे नहीं पलटेगा, आजा। क्या हाल है? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। देख मुझे इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि दिल्ली आ गई है। क्या बताऊँ मैं इतना मिस किया मैंने से, मैंने बोला चलो दिल्ली। तो ये भाई साहब अभी अभी आई है उस पे ट्रेन पे, तो कैसी थी तेरी जर्नी? और मैं अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम बैठी ट्रेन पे। पहली बार बैठी है? हाँ। क्या बात है, तेरी पहली बार बैठी हूँ ट्रेन। भैया बैग बुक निकाल दिया, चलो लव यू। 12 बजने वाले हैं। तुमने खाया कुछ? खाया नहीं भाई, कोई नहीं अभी सामान रखते हैं अंदर, कुछ मैं उठाता हूँ। दे दे मेरे को, दे दे। सो जाऊंगी कुछ खा, तूने कुछ खाना नहीं क्या? हाँ पहले खाऊंगी। तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, जाना पड़ेगा बाहर। हाँ तो पहले मतलब फ्रेश होकर आ जाऊं। अच्छा वे किचन कुशन खुली है क्या? बिल्कुल सर, आपके लिए तो 2 बजे रात भी। अरे भाई ओ भाई यार, मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ ना, बार बार कैमरे के लेंस के आगे फॉग आई जा रही है, मतलब मैं लेंस साफ कर करके ना परेशान हो गया। होता क्या जब रूम में एसी चलता है ना तो
मॉइस्चर हो जाता है बहुत ज़्यादा, अपना लेंस पे भी मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर इसलिए आ रहा है कि जो अपना ढक्कन है ना लेंस का, मेरे पास ढक्कन ही नहीं है। ये इतनी खुश क्यों रखी है, व्हाई सो हैप्पी? क्योंकि हमारी मेन चैनल की वीडियो शूट होने वाली है कुछ ही दिनों में। और गाइस बता दो, मेरे लिए नहीं आई ये, इतनी अच्छी नहीं है मेरे लिए, ये वीडियो शूट के लिए आई है। तो नहीं बताओ बताओ, ये जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं तो इनको है ना इंटरेस्ट देखने में। सोचा सोचा यही इसमें सोचा तो लिफ्ट में भाई साहब, इसका रूम सेकंड फ्लोर पे, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, इसका थर्ड फ्लोर। मैं तो भगवान से ये अरदास कर रहा हूँ कि भाई फटाफट से यार ये शूट निपटे अपना, मैं घर जाऊँ, मैं जाके एडिटिंग करूँ, अपने सारे काम निपटाऊँ और फटाफट से लद्दाख चले जाऊँ। मतलब लद्दाख जाने का इतना मन कर रहा है ना, मतलब मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि यार साला लद्दाख चले ही जाऊँ, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई, कभी भी लॉकडाउन हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन होने से पहले ना एक बार अच्छी तरह से घूमूं। भैया कोमल देख लो, बेचारी इतनी शरीफ है, कहती मैंने इसको बोला ये ले ले कोल्ड कॉफी ना, कहती नहीं भाई बहुत महंगी है मैं नहीं लूंगी। अरे ले कोमल, अरे क्या हो गया, मैं मेरी तरफ से पार्टी है ना, पकड़। अभी हम बहुत सारी चीज़ें लेने वाले हैं। एंड गाइस यार मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, ऐसा ना फ़ोन के अंदर घुस के बात करनी पड़ती है। कुछ बोलियो, दिस इज़ माई प्रोटीन मिल्क शेक, जिसकी आवाज़ नहीं आने वाली बिल्कुल भी। अरे आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा रुको जरा ना, यहाँ से हमने अभी चिकन बिरयानी और चिकन चावल बोले हैं और एक सॉसेजेस, यू वांट टू हैव सॉसेजेस? तो भाई कोमल ना पहली बार दिल्ली, पहली बार दिल्ली आई है, सेकंड टाइम आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने आई थी। मजा आया? हाँ अच्छा लग रहा है, हम अभी 24/7 गए थे। भैया यहाँ पे फ्रेम अच्छा आ रहा है यार, ब्लू लाइट का, नाइस। तो अभी ये 24/7 से बहुत कुछ खा के आई है, क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं था, तो पहले मैंने सोचा कि होटल में खिला देता हूँ, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार इसको ना थोड़ा बाहर घुमा के ले आते हैं, थोड़ी दिल्ली की सैर करा देते हैं। और तो कुछ नहीं खाना बता दे ना, मेरा पेट भर गया, मैंने बहुत कुछ खा लिया। कहीं बाद में कह रहा कि इसने मुझे कुछ खिलाया नहीं था, कल से मैं खाऊंगी। सो गाइस अभी अभी मेरा ब्रेकफास्ट आया और साथ ही साथ मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:15। तो यार फटाफट से ना एडिटिंग निपटाते हैं, क्योंकि ना मेरे को व्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि व्लॉग लेट हो चुका है, मैं नहीं चाहता फिर से शेड्यूल लेट हो जाए। और मैं आपको अंडे क्यों दिखा रहा हूँ भाई, बाकी देख लो यार ये 7 मिनट का व्लॉग एडिट हो चुका है, बाकी फटाफट से व्लॉग अपलोड करते हैं। अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, लव यू गाइज़।